व्हाट्स अप गाइस, लेट्स प्ले पबजी, प्लेयर्स अननोन बैटलग्राउंड। एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं, बड़ा सिंपल रखते हैं। फर्स्ट टाइमर्स के लिए कंफ्यूजिंग हो जाता है, गेम की मेन स्क्रीन भी काफ़ी कंफ्यूजिंग हो जाती है। जिसने पहले कभी कोई शूटिंग गेम नहीं खेला है उसके लिए ये वीडियो है। आई एज्यूम आपने पबजी मोबाइल एंड्रॉयड या आईफोन पर डाउनलोड कर लिया है एंड नेसेसरी परमिशन देने के बाद ट्विटर, फेसबुक, गूगल या गेम सेंटर से लॉगिन कर लिया है। मैं यहाँ पे गेस्ट लॉगिन कर रहा हूँ। आपको रीजन एशिया सेलेक्ट करना है, कैरेक्टर आप अपने कैरेक्टर को डिजाइन कर सकते हैं, फ्लैग सेलेक्ट करें और कोई भी एक निकनेम। मैं टेस्ट यूज कर रहा हूँ, लेकिन अगर आपका निकनेम ऑलरेडी टेकन दिखाता है तो आप उसमें कुछ भी यूनिक ऐड कर सकते हैं, जैसे कि मैं 126791। कुछ शॉर्ट भी रख सकते हैं, कुछ यूनिक क्रिएट कर सकते हैं। अब आपसे सिस्टम पूछेगा, हाउ फेमिलियर आर यू विद शूटिंग गेम्स, कि आपने पहले कभी कोई शूटिंग गेम खेला है। अगर आपने नहीं खेला है तो आप रूकी सेलेक्ट करें, और अगर आपने खेला है तो प्रो सेलेक्ट करें। लेट्स स्टार्ट। ये वेटिंग एरिया है, सबसे पहले मूवमेंट्स। लेफ्ट साइड पे जॉयपैड है, इससे फॉरवर्ड यानी आगे मूव करते हैं। लेफ्ट, राइट, बैक। जॉयपैड को अपने लेफ्ट थंब यानी अंगूठे से ऑपरेट करते हैं। अब स्क्रीन के राइट हाफ पे अपने राइट थंब से कहीं पे भी स्वाइप करो, नीचे, ऊपर, लेफ्ट, राइट, 360 डिग्री, उससे विजन कंट्रोल होता है। यानी हमें जिधर देखना है अपने राइट थंब से कंट्रोल करना है। हम इस गेम में लेफ्ट एंड राइट थंब दोनों को एक साथ यूज करके ही मूवमेंट करते हैं। टॉप राइट कॉर्नर पे मैप है, इस पे क्लिक करके हम इसको इनलार्ज करते हैं। तो हम इस आइलैंड पे है जिसका नाम है इरेंजल। आइलैंड पे अलग अलग प्लेसेस मार्क्ड है, जैसे स्कूल, हॉस्पिटल, सिटीज, फार्म, मिलिट्री बेस। रेड एंड व्हाइट एरोप्लेन रूट है, हम भी मार्क कर लेते हैं जहाँ हमें जाना है। गेम प्ले क्या है पबजी में? 100 प्लेयर्स जो कि ऑनलाइन इंटरनेट से कनेक्टेड है एक सर्वर के थ्रू, सब आपस में कम्पीट करते हैं। कम्पीट मतलब युद्ध। 99 प्लेयर्स के साथ हम इस आइलैंड पर लैंड करेंगे और फिर जल्दी से गन्स लूट कर बाकी सब प्लेयर्स को मारने की कोशिश करेंगे। जो भी प्लेयर एंड तक जिंदा रहेगा वो विनर बनेगा। सिंपल येट कॉम्प्लिकेटेड फॉर फर्स्ट टाइमर्स, तो चलो आसान बनाते हैं। और वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊँगा 50 लाख रुपये जीतने का एक सुनहरा मौका। लेट्स गो, जंप। अगेन हम अपने विजन को राइट से रोटेट करते हैं और जिधर जाना है उधर फोकस करते हैं। अपने जॉयपॉड को ऊपर पुश करने से हमारी नीचे जाने की स्पीड बढ़ेगी और हम ज़्यादा जल्दी नीचे उतरेंगे। हम कितने फास्ट नीचे जा रहे हैं ये हमारी स्क्रीन पे दिखेगा। ग्राउंड के पास पहुंच के हमारा पैराशूट ऑटो ओपन हो जाएगा। हम पहले भी पैराशूट ओपन कर सकते हैं, पर पहले करने से हमारी स्पीड कम हो जाएगी, तो ऑटो ओपन होने तक हम डाइव करते रहते हैं। पैराशूट ओपन होने के बाद भी हम जॉयपैड को ऊपर की तरफ पुश करना है। पैराशूट ओपन होने के बाद अगर हमें लेफ्ट जाना है तो जॉयपैड को लेफ्ट की तरफ रोटेट करना है, और राइट जाना है तो राइट की तरफ। ये गेम रियल लाइफ को मिमिक यानी नकल करने की कोशिश करता है, जैसे स्काई डाइविंग, रनिंग, जंपिंग, शूटिंग। हालांकि हम रियल लाइफ में ऐसा नहीं करेंगे जो कि गेम में होता है, फिर भी सारे एक्शंस, रिएक्शन रियल लाइफ से इंस्पायर यानी प्रेरित। गेम खेलते खेलते मैं आपको पूरी गेम स्क्रीन भी एक्सप्लेन करता रहूँगा। टॉप लेफ्ट कॉर्नर में अलाइव यानी जिंदा प्लेयर्स कितने बचे हैं, उसके बगल में है किल्ड प्लेयर्स यानी हमने कितने फिनिश किए हैं, उसके नीचे हमारे टीममेट्स के नेम्स होते हैं और हर टीममेट को एक नंबर असाइन होता है। ये ऑफलाइन का सिंबल है यानी प्लेयर नंबर 3 का इंटरनेट कनेक्टिविटी में एरर है। टॉप सेंटर में कंपास है जो कि हमें अपने टीममेट्स को डायरेक्शन बताने में हेल्प करता है। हमेशा जंप करते समय हम किसी बिल्डिंग या घर को टारगेट करते हैं, क्योंकि हमें घर में सप्लाईज या लूट यानी गन्स एंड कंज्यूमेबल्स यानी गेम में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें मिलेगी। क्योंकि अगर हम बिना गन्स के घूमते रहेंगे तो कोई ना कोई मार देगा, जैसे ये सामने से एक बंदा आ रहा है और हमें यहाँ से निकलना चाहिए। एंड वी आर लकी, ये है बगी। जब भी हम किसी व्हीकल यानी गाड़ी के पास जाओगे तो ड्राइव का ऑप्शन आता है। हम भाग के भी जा सकते हैं, बट इतना बड़ा आइलैंड है थोड़ा बोरिंग हो जाता है, इसलिए हमेशा ट्राई करो कि गाड़ी साथ में हो। अब स्क्रीन पे जॉयपैड की जगह कार कंट्रोल पैड आ गया। डाउन बटन ब्रेक के लिए भी यूज़ करते हैं एंड बैक जाने के लिए भी। लेफ्ट राइट जाने के लिए लेफ्ट राइट बटन, आगे जाने के लिए अप बटन को प्रेस करते हैं।
गाड़ी ड्राइव करने के लिए अप बटन के साथ स्टीयरिंग कंट्रोल करने के लिए लेफ्ट राइट मूवमेंट करनी पड़ती है। बॉटम लेफ्ट में गाड़ी की हेल्थ, स्पीड एंड पेट्रोल शो करता है। कॉर्नर राइट में हॉर्न बटन है और एग्जिट बटन है। अब हम एक टाउन में आ गए हैं जिसका नाम है यासिनाया पोलियाना। टॉप राइट कॉर्नर में मैप के नीचे एक टाइमर होता है जो कि टाइम टू नेक्स्ट जोन शो करता है। मैप के लेफ्ट साइड पे सेटिंग बटन है, इससे हम इन गेम सेटिंग एडजस्ट कर सकते हैं। सेटिंग्स के लेफ्ट पे रिपोर्ट, अगर कोई हैक यूज़ कर रहा है गेम में तो हम उसकी रिपोर्ट कर सकते हैं। यह स्पीकर बटन, आपकी टीममेट्स की आवाज़ आपको सुननी है कि नहीं सुननी है इससे आप कंट्रोल कर सकते हो। देन माइक्रोफोन, यानी हमारी आवाज़ दूसरों तक जाए या ना जाए ये हम यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। उसके नीचे स्प्रिंट बटन है, इसे वन टच हम स्प्रिंट यानी तेज भाग सकते हैं। ये है हमारा कैमरा कंट्रोल। देन लोकेशन मार्कर, इससे हम जिस डायरेक्शन में देख रहे हैं एंड कोई एनिमी या ऑब्जेक्ट मार्क करना है तो कर सकते हैं। एंड लास्टली कम्युनिकेट बटन, हम इससे मैसेज पास कर सकते हैं अपने टीममेट्स को। अगर हम अपने जॉयपैड को ऊपर की तरफ पुश करके होल्ड करेंगे तो स्प्रिंट मोड में आ जाएंगे। नाउ द मेन फंक्शंस ऑफ द गेम पैड। बॉटम लेफ्ट पे जॉयपैड है जो कि हमें मूव अराउंड करेगा। देन फायर बटन, जो कि पंच बटन भी दिखता है जब हमारे पास कोई गन नहीं होती, हम पंच करके भी एनिमी को मार सकते हैं। उसके ऊपर है पीक बटन, यानी इससे प्रेस करने से सिर्फ हमारा फेस दिखता है एनिमी को अगर हमने कवर लिया हुआ है। ये काफ़ी हैंडी होता है, मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूँगा। बॉटम कॉर्नर में बैग बटन है, जो भी हम लूट करेंगे यानी कंज्यूमेबल्स लेंगे वो हमारे बैग में शो होगा। बॉटम राइट में अगेन एक फायर बटन है। देन क्राउच बटन यानी बैठने के लिए। देन प्रोन बटन यानी लेटने के लिए। देन जंप बटन, ये है लीप बटन, अगर हम किसी घर में अंदर या बाहर खिड़की से कूद के जाना चाहते हैं तो हम इसे प्रेस करेंगे। एनिमी आ गया है, चलो लूट करते हैं। देखो हमें पीछे से गोली लगी तो मैप पे पीछे की तरफ एक मार्क बना आया है। बिल्डिंग के गेट्स ऑटो ओपन हो जाते हैं। सारा सामान हमें स्ट्रक्चर्स में मिलेगा, जैसे कि हाउसेस, अपार्टमेंट, शैक, फैक्ट्री, वेयरहाउस, स्कूल, हॉस्पिटल, यार्ड्स। तो हमें लैंड करते ही जल्दी से स्ट्रक्चर्स में घुसना होता है। हम घर में गेट से या विंडो से जंप करके भी जा सकते हैं। हमें हर रूम में चेक करना चाहिए, एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में जब तक लूटते हैं जब तक कि हमें सही लूट नहीं मिल जाती। लूट में आती है गन्स, बुलेट्स, बुलेट प्रूफ वेस्ट, हेलमेट, बैग, गन्स की अटैचमेंट, हेल्थ किट, मेडिकेट, बैंडेज, पेन किलर्स, ग्रेनेड्स, फ्यूल फॉर कार, बाइक, जीप। गेम में डिफरेंट गन्स एंड डिफरेंट बुलेट्स होती है जिसके बारे में बाद में बात करेंगे। अभी के लिए ये समझ लेते हैं कि कोई भी गन जब हम पिक करते हैं तो उसकी बुलेट्स ऑटो पिक हो जाती है। गन्स पिक करते ही बॉटम राइट में दो नए बटन आ जाते हैं। ये एम बटन है, जब भी हम किसी को मारेंगे तो एम बटन को प्रेस करेंगे। एम बटन को प्रेस करने से थोड़ा जूम इन हो जाता है और बेटर एम होता है। सेंटर बॉटम में हमारे वेपन स्लॉट्स है, टू मेन वेपन्स हैं। एक साइड वेपन स्लॉट जो कि हमेशा एक पिस्टल होती है, उसके नीचे हमारी टोटल हेल्थ, जब भी हमें कोई मारेगा तो हमारी हेल्थ कम हो जाएगी और इधर विजिबल होगी। ये है ग्रेनेड, स्टन ग्रेनेड, स्मोक ग्रेनेड लॉन्चर, इस पर टैप करके हम ग्रेनेड थ्रो कर सकते हैं। ये है हेल्थ रिस्टोर शॉर्टकट। अगर कोई भी एनिमी हम पे अटैक कर रहा है या गोली मार रहा है तो हमें सबसे पहले कवर यानी छुपना है किसी भी स्ट्रक्चर के पीछे, जैसे कोई घर के पीछे, पेड़, पत्थर, दीवार। गन चेंज करते हैं। कवर लेने के बाद हमें एनिमी लोकेट करना है, जो तीन तरीकों से होगा। पहला, जब हमें गोली लगेगी तो जिस साइड से फायर आया है उस साइड से हमारी बॉडी पे ब्लड का एक मार्क आएगा, तो उस डायरेक्शन में देखना है। और दूसरा, एनिमी प्लेयर्स के फुटस्टेप्स दिखेंगे मैप पे। और तीसरा, उसके चलने की आवाज़ आएगी, जैसे अगर एनिमी लेफ्ट से आ रहा है तो लेफ्ट हेडफोन में ज़्यादा आवाज़ आएगी और राइट से आ रहा है तो राइट हेडफोन में। लोकेट होने के बाद हम राइट एम बटन पे क्लिक करेंगे और फायर करेंगे। जब भी हम स्क्वाड मैच यानी चार दोस्तों के साथ खेलते हैं तो जब भी किसी प्लेयर को मारते हैं तो वो पहले नॉक होता है। नॉक यानी उसकी हेल्थ जीरो हो गई है, लेकिन अगर उसको कोई टीममेट उसके पास है तो वो उसको रिवाइव यानी दोबारा ज़िंदा कर सकता है। जब भी कोई नॉक होता है तो वो कोई एक्शन नहीं कर सकता सिवाय घसीटने के, और उसको हम कम्प्लीटली फिनिश कर सकते हैं दोबारा फायर करके। चलो डेथ क्रेट लूटते हैं। जब भी हम किसी प्लेयर को मारते हैं तो उसकी बॉडी की जगह एक क्रेट गिर जाती है जिसमें से ग्रीन स्मोक निकलता है। एनिमी ने इस मैच में जो कुछ भी लूटा है वो हम लूट सकते हैं। हम जैसे ही क्रेट के पास जाएंगे तो स्क्रीन पे एक क्रेट का बटन आएगा, उस पर क्लिक करके हम उसके वेपन्स ले सकते हैं एंड कंज्यूमेबल्स एंड बुलेट्स रिफिल हो जाती है।
ज़्यादातर चीज़ें ऑटो रिफिल या पिक हो जाती, और अगर क्रेट में कोई बेटर गन होती है तो हम उस पर क्लिक करके उस गन को एक्सचेंज कर सकते हैं। ये है रीलोड बटन मैगजीन्स रीलोड करने के लिए। तो 100 लौंडे आए थे, कुछ ऑलरेडी मर गए हैं, बाकी इतना बड़ा आइलैंड है, कौन किसे कब तक ढूंढेगा और कैसे, और ये गेम ख़त्म कैसे हो, क्योंकि हर कोई छुपा रहेगा दूर दूर। लैंड करते ही मैप के नीचे एक टाइमर स्टार्ट हो जाता है 5 मिनट का, एक सर्कल बन जाता है आइलैंड जो हमें मैप पे दिखे। हमें 5 मिनट के अंदर लूट करके इस सर्कल के अंदर जाना होता है। अगर हम इस सर्कल के अंदर नहीं आते तो एक ब्लू जोन इस सर्कल के आउटर आइलैंड को कवर करने लगता है, एंड जो भी ब्लू जोन के बाहर होता है उसकी हेल्थ कम होती रहती है और वो मर जाता है। हमें M416 मिल गई है, ये सबसे बेस्ट असॉल्ट राइफल मानी जाती है गेम में। जब भी ये गन मिले तो ज़रूर पिक करें। अगर हम मैच के एंड तक जिंदा यानी अलाइव रहते हैं तो ये सर्कल्स बनते रहेंगे एंड श्रिंक होते रहेंगे यानी छोटे होते रहेंगे। सारे प्लेयर्स एक दूसरे के और पास आते रहेंगे और एक दूसरे को मारते रहेंगे, और एंड में सबसे छोटे सर्कल में कोई एक बनेगा विनर और उसको मिलेगा चिकन डिनर। मैप पे देखते हैं, सर्कल बन गया है, हम सर्कल से बाहर है और ब्लू जोन आना स्टार्ट हो गया है। तो चलो सर्कल में चलते हैं, जो कि अगेन हम भाग के भी जा सकते हैं लेकिन हम अपनी बग्गी से चलेंगे, जल्दी पहुँचेंगे। अब हमारी हेल्थ कम होनी स्टार्ट हो जाएगी जब तक हम सर्कल के बाहर रहेंगे और हमारी स्क्रीन पे ब्लड मार्क्स आते रहेंगे। अब मैप पे हमें ब्लू के साथ रेड जोन भी दिख रहा है। रेड जोन पूरे गेम में कहीं पे भी कभी भी बन जाता है। इसके अंदर या बाहर रहने से आपकी हेल्थ कम नहीं होती, लेकिन रेड जोन में ऊपर से बॉम्बार्डमेंट होती है यानी बॉम्ब्स गिरते रहते हैं जब तक रेड जोन रहता है, और अगर हम पे कोई बॉम्ब गिर जाता है तो हमारा हो जाता है दी एंड। सर्कल के अंदर जाते ही सबसे पहले हम कवर लेकर हेल्थ रिस्टोर यानी बढ़ाते हैं। हेल्थ में आती है बैंडेजेस, एक बैंडेज हमारी 10% हेल्थ रिकवर करती है, देन हेल्थ किट जो कि एक बार में मैक्सिमम 75% हेल्थ रिकवर करती है, एंड देन मेडिकिट जो कि 100% रिकवर करती है। एनर्जी ड्रिंक्स, पेन किलर हमारी स्पीड एंड हेल्थ रिकवरी बूस्ट करते हैं। जब भी एनर्जी ड्रिंक्स मिले तो पी लेनी चाहिए क्योंकि डर के आगे जीत। अब हमारे पास सब कुछ है, कोई भी फाइट में जाने से पहले गन एंड एम की थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं। जब भी हमारे हाथ में गन होगी और हम जिधर भी जाएंगे तो हमारी स्क्रीन पे क्रॉस हेयर यानी रेड क्रॉस दिखेगा। डायरेक्शंस मार्क करने के लिए यानी अपने टीममेट्स को बताने के लिए कि एनिमी किस तरफ है, तो हम रेड क्रॉस पॉइंट करके मैसेज बटन टैप करके चूज़ करेंगे। तो फर्ज करो कि ये पेड़ एक एनिमी है, तो हम इसकी तरफ अगेन क्रॉस हेयर पॉइंट करेंगे अपने राइट थंब से, एंड फिर एम वाला बटन प्रेस करेंगे तो थोड़ा जूम इन होगा प्लेयर पे। अगर कोई स्कोप है हमारे पास तो थोड़ा और जूम इन का यानी करीब से दिखेगा। हमारे पास रेड डॉट स्कोप है अभी। एम एंड लेफ्ट बटन से फायर बटन प्रेस करेंगे यानी प्लेयर की बॉडी के ऊपर फायर करेंगे। हेडशॉट यानी कि सर पे सबसे ज्यादा डैमेज होता है, फिर नेक यानी गर्दन पे एंड बाकी बॉडी पे, पर स्टार्टिंग में हम लोग सेंटर बॉडी पे टारगेट करते हैं। जब भी हम कवर में होते हैं एनिमी को भी हमारी पोजिशन का पता होता है, तब एनिमी का एम हम पे होता है। हम जैसे ही कवर से बाहर आते हैं उसको मारने के लिए, तो वो भी हमारी पूरी बॉडी टारगेट कर सकता है क्योंकि हमारी पूरी बॉडी बाहर आ जाती है। बट पीक बटन क्लिक करने से सिर्फ हमारा फेस बाहर निकलता है एंड हम एनिमी को मार सकते हैं बिना पूरी बॉडी दिखाए। एयरप्लेन की आवाज़, एयर ड्रॉप्स की बात करते हैं। हर सर्कल में एक या दो सप्लाई क्रेट्स यानी एयर ड्रॉप्स करते हैं एयरप्लेन से। ये एक रेड कलर का बड़ा बॉक्स होता है, इसमें हमें हाई लेवल की गन्स एंड जैकेट्स एंड हेलमेट्स मिलते हैं। हम इन एयर ड्रॉप्स को भी लूट सकते हैं, लेकिन याद रखें बाकी प्लेयर्स भी एयर ड्रॉप्स को लूटने आते हैं तो हमें मार भी सकते हैं, तो थोड़ा संभल के जाना होता है। ये इस प्लेन ने अब तक कोई एयर ड्रॉप किया नहीं है, तो ये शायद थोड़ा दूर जाके ड्रॉप करेगा। थ्योरी सारी हो गई है, अब थोड़ा प्रैक्टिकल करने चलते हैं। इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं वेयरहाउस। वेयरहाउस काफ़ी स्ट्रैटेजिकली अच्छा माना जाता है इस गेम में। जैसे जैसे आपकी गेम और अच्छी होती जाएगी वैसे वैसे आप स्ट्रैटेजी के साथ खेलने लगेंगे, क्योंकि आपके कॉम्पिटिटर भी स्ट्रैटेजी के साथ खेलेंगे। तो जैसे वेयरहाउस में खिड़की कोई नहीं है, सिर्फ दो एंट्री है। तो अगर आप स्क्वाड मेंबर हो, अगर आप 4 लोग खेल रहे हो, तो 2 लोग एक एंट्री को और 2 लोग एक एंट्री को कवर कर सकते हैं। कोई खिड़की नहीं है, कोई भी प्रकार का ग्रेनेड आप तक पहुंचना बड़ा मुश्किल होता है। तीसरी स्ट्रैटेजी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि गाड़ी आप अंदर पार्क कर सकते हो, तो एनिमी को ये नहीं पता चलता कि स्ट्रक्चर में कोई है कि नहीं है, तो एक सरप्राइज अटैक भी कर सकते हो आप। एक मिनट, क्या हमें फ्लेयर गन मिल गई है? फ्लेयर गन, ये एक रेड कलर की गन होती है। हम इससे स्पेशल सप्लाई क्रेट मंगा सकते हैं। जैसे एयर ड्रॉप होता है वैसे ही फ्लेयर गन से ड्रॉप आता है, बस फ्लेयर गन से ड्रॉप वहाँ आता है जहाँ पे हम खड़े होते हैं।
उससे पहले ये सामने दो लौंडे लड़ रहे हैं। हमारे पास ज़्यादा अच्छा स्कोप नहीं है, इसलिए हमें काफ़ी छोटा दिख रहा है। दूर से किसी को मारने का बड़ा बेसिक सा रूल होता है कि आपको कम गोली चलानी है, टैप टैप करके बार बार निशाने पे लगा के टैप टैप करके गोली चलानी। जब आप फायर बटन को प्रेस करके रखते हो और लगातार गोली चलाते हो तो एक या दो गोली ही निशाने पे लगती है, बाकी सब उसके ऊपर से उठ चली जाती है। मैं हर ऑटोमेटिक वेपन में रिकॉयल होता है, रिकॉयल मतलब कि जब आप एक गोली फायर करते हो तो गोली की वेलोसिटी, उसकी स्पीड इतनी ज़्यादा होती है कि आपका जो मज़ल होता है, बंदूक का जो फेस होता है, वो उस वेलोसिटी की झटके से ऊपर उठ जाता है। रिकॉयल क्या है और उसको कैसे कंट्रोल करें, ये हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। तो हमारे 3 किल्स हो गए हैं। किसी को मारने के बाद लूटने का मज़ा तो आता ही है, तो लूटना तो वैसे भी ज़रूरी है और मज़ा भी आता है। सप्लाई क्रेट मंगाते हैं। सप्लाई क्रेट मंगाने का पहला रूल है, हमें सर्कल के अंदर ही फ्लेयर गन चलानी चाहिए। सेकंड रूल, फ्लेयर गन को आसमान की तरफ अपना ऊपर पॉइंट करके फिर फायर करना चाहिए, इससे हमारी पोजीशन पे एयर ड्रॉप आता है। थर्ड रूल है सेफ पोजीशन। जब हम फ्लेयर गन का यूज़ करते हैं तो जो फ्लेयर होती है वो सबको दिखती है, सबको हमारी पोजीशन पता चल जाती है, इसलिए ड्रॉप गिरने तक कवर में रहना चाहिए। ये सेफ पोजीशन लग रही है। फ्लेयर गन पे टैप करो, ऊपर की तरफ पॉइंट करो और शूट। ये जो रेड कलर का फ्लेयर ऊपर गया है ये सबको विजिबल होता है। सर्कल छोटा है इसलिए प्लेन जल्दी आ गया, अगर बड़ा सर्कल होता तो प्लेन को आने में थोड़ा टाइम भी लगता। ये हुआ ड्रॉप, जब तक ये नीचे आए तब तक हम लोग थोड़ा सा कवर ले लेते हैं। जब नॉर्मल ड्रॉप होता है तो वो रेड बॉक्स में होता है, जब हम फ्लेयर से ड्रॉप मंगाते हैं तो वो ग्रीन बॉक्स में आता है। कोई नहीं है आसपास, हमारी क्रेट आ गई है। जब हम फ्लेयर गन से क्रेट मंगाते हैं उसमें ग्रीन स्मोक निकलता है, नॉर्मल एयर ड्रॉप्स में रेड स्मोक निकलता है। अगेन क्रेट लूटने के लिए क्रेट बटन पर क्लिक करें। हमें मिला है लेवल 3 का हेलमेट और वेस्ट, पावरफुल मशीन गन M249। इसमें मैगजीन में 100 राउंड्स आते हैं एक बार में, टर्मिनेटर स्टाइल गन है ये। दूसरी है सबसे ज़्यादा खतरनाक स्नाइपर राइफल AWM। हमें एक स्पेशल ड्रेस मिली है जिसे बोलते हैं गिली सूट। ये ग्रीन ग्रास का बना होता है, अगर हम घास में लेट जाए और कोई भी मूवमेंट ना करे तो दुश्मन हमारे बगल से निकल जाएगा लेकिन उसको पता नहीं चलेगा। टेल्थ मोड में हम उसको मार सकते हैं। हमारा बैग फुल हो गया है, लेवल 1 का बैग है हमारे पास। लेवल 2 एंड लेवल 3 में हम ज़्यादा लूट कैरी कर सकते हैं। हमें सर्कल में जाना है, कोई और गाड़ी देखनी पड़ेगी, हमारी गाड़ी काफ़ी पीछे खड़ी थी, थोड़ा पीछे शायद एक बाइक खड़ी थी। बाइक भी ऐसे ही चलती है जैसे गाड़ी। हील करते हैं पहले। हमें मेडिकेट मिल गई थी जिससे 100% हेल्थ रिस्टोर हो जाती है। क्विक रिकैप कर लेते हैं, 8 लोग बचे हैं, हमने टोटल 3 लोग मारे हैं। हमारा एक टीममेट यानी कि नंबर 2 अभी भी ज़िंदा है। वैसे हमेशा मैच में हमें अपने टीममेट्स के साथ ही रहना चाहिए, क्योंकि जब हम पे पूरा स्क्वाड यानी 4 लोग अटैक करते हैं तो अगर हम भी 4 लोग हो तो ज़्यादा चांसेस होते हैं कि हम उन सबको मार दें। सामने नॉर्मल एयर ड्रॉप का रेड स्मोक दिख रहा है। इस पॉइंट पे मैं रिकमेंड करता हूँ हेडफोन्स यूज़ करो, हमारे सामने 140 डिग्री से 195 डिग्री की तरफ से फायरिंग की आवाज़ भी आ रही है एंड मैप पे फुटस्टेप्स भी आ रहे हैं। जब भी हम किसी क्लोज फाइट में जाते हैं या किसी एनिमी के पास जाते हैं तो हमें हमेशा क्राउच करके चलना चाहिए, उससे हमारी मैप पे मार्क नहीं आता जब तक कि हम फायर ना करें। काफ़ी फायरिंग की आवाज़ आ रही है, सर्कल छोटा हो गया है, सारे एनिमीज एक दूसरे के आसपास घूम रहे हैं। वो देखो 2 लौंडे आपस में लड़ रहे हैं 195 डिग्री पे, एक ने दूसरे को मार दिया है, उसने हमें स्पॉट कर लिया है, हम पे फायरिंग कर रहे हैं। हमने एक शॉट मारा, कवर लेते हैं सबसे पहले, कवर लेते हैं। पेड़ के पीछे छुप के ये देखो, उसके पास भी मशीन गन है, आने दो। जबरदस्त किल, रिप्ले देखते हैं। क्रेट लूटते हैं पर पहले खुद को हील कर लेते हैं क्योंकि हमें भी डैमेज हुआ है,
क्रेट लूटने से पहले हमेशा अपनी गन्स को रीलोड करना चाहिए। पहले हील इसलिए करते हैं क्योंकि जब हम फायर करते हैं या किसी प्लेयर के साथ गन फाइट में होते हैं तो आसपास के बाकी प्लेयर्स को भी आवाज़ आ जाती है, जैसे हमें आ रही थी। तो अगर क्रेट लूटते रहे तो एनिमी हमें पीछे से आके कम हेल्थ में जल्दी मार देगा। जब हमें डेंजर ज़्यादा लग रहा हो और हमारे पास नेचुरल कवर ना हो या गिली सूट भी ना हो, तो कवर के लिए हम स्मोक ग्रेनेड का यूज़ कर सकते हैं। ग्रेनेड लॉन्चर बटन पर टैप करो, एम करो एंड रिलीज़ करो फायर बटन पर टैप करके। ये स्मोक यानी धुएं में हम खुद को छुपा सकते हैं, एनिमी हमें नहीं देख पाएगा। गन्स रिलोड इसलिए करते हैं क्योंकि एक मैगजीन में जनरली 30 बुलेट्स होती हैं। जब ये ख़त्म हो जाती है तो मैगजीन चेंज होने में 2 से 3 सेकंड लगते हैं डिपेंडिंग अपॉन द गन, और इन्हीं सेकंड्स में दूसरा प्लेयर हमें मार देता है। और इसलिए हमारे पास 2 गन्स होती है। मान लो एक गन की मैगजीन खाली हो गई तो हमें रीलोड करने में 2 से 3 सेकंड लगेंगे, लेकिन वेपन स्विच करने में सिर्फ 1.5 सेकंड लगता है। और अगर सामने वाला प्लेयर रीलोड कर रहा है तो हम उसे पहले मार सकते हैं। तो ये है मोलोटोव बॉटल। ये बॉटल इम्पैक्ट करती है यानी ज़मीन पर टकराते ही इस आग लगा देती है। पेट्रोल वाली बॉटल टाइप होती है। जो लास्ट लौंडा बचा है ट्रेस करते हैं उसको, उससे पहले जोन में चलते हैं। ये हमारा टीममेट ही फायर कर रहा है, ये हमें पता चला क्योंकि फायर का कोई मार्क मैप पे नहीं आ रहा, सिर्फ आवाज़ आ रही है। जब एनिमी फायर करता है तो आवाज़ के साथ साथ मैप पे फायर मार्क भी आता है। ग्रेनेड भी स्मोक ग्रेनेड की तरह ही यूज़ करते हैं, इससे हम एनिमी या उसके व्हीकल भी उड़ा सकते हैं। ग्रेनेड पिन निकालने के 7 सेकंड में फटता है, इससे हमें एम करने का टाइम मिल जाता है। जूम करके देखते हैं स्कोप से, परफेक्ट थ्रो। बग्गी डिस्ट्रॉय हो गई। हम गाड़ी के टायर्स भी पंचर कर सकते हैं जिससे कि एनिमी की गाड़ी सही से नहीं चलती और उसे मारने में आसानी हो जाती है अगर वो भागने की कोशिश करता है तो। ये एक HD क्वालिटी PUBG वीडियो सीरीज़ है जिससे कि आपको और हेल्प मिलेगी अपना गेम इम्प्रूव करने के लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम गेम होम स्क्रीन एंड गन्स और उसकी अटैचमेंट्स को डिटेल में समझेंगे। एक बैटल रॉयल गेम में हमारा बेस्ट फ्रेंड हमारे वेपन्स होते हैं। लास्ट एनिमी ट्रेस करते हैं, कोशिश करते हैं कि हम टीममेट से पहले उसको मार दें। ये रहा हमारा लास्ट एनिमी। अगर हमारे पास अच्छा स्कोप होता है तो एनिमी को मारना आसान हो जाता है। देखिए कितने क्लियर दिख रहे हैं, उसने भी कवर ले लिया। हमारे टीममेट मार रहा है उसे, बॉडी शॉट लगे, ब्लड मार्क्स आए मतलब शॉट निशाने पे लगे हैं। एम और हेडशॉट, गेम ओवर। एंजॉय योर चिकन डिनर। चिकन डिनर तो मिल गया, 50 लाख कैसे मिलेंगे। अब वीडियो गेम्स सिर्फ एक हॉबी नहीं रहे, अगर आप बहुत सही खेलते आप प्रो खेल सकते हैं, यानी प्रोफेशनल कॉम्पिटेटिव गेम्स जैसे लॉन्डा क्रिकेट टेनिस खेलते हैं। PUBG भी कॉम्पिटेटिव गेम्स ऑर्गेनाइज करता है, जैसे अभी करंटली PMPL साउथ एशिया Season 1 प्रो लीग चल रही है जिसका प्राइस पूल अप टू 50 लाख है। एंड फ्यूचर में ये और इंक्रीज ही होता रहेगा क्योंकि मोर एंड मोर प्लेयर्स एंटर कर रहे हैं गेम में एंड गेम और ज़्यादा पॉपुलर और कॉम्पिटेटिव होता जा रहा है। सो कीप ऑन प्रैक्टिसिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो के नीचे लाइक बटन पे एम करो, मोर वीडियोस के लिए सब्सक्राइब बटन को टारगेट करो, और मन में कोई भी बात हो तो कमेंट सेक्शन में शूट करो। एंटिल नेक्स्ट टाइम, नमस्ते।